नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सरकार ने स्कूल कॉलेज से लेकर फैक्ट्रिया तक को बंद रखने का निर्देश दिया है, लेकिन इसके विपरीत यूपी के भदोही जनपद से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां एक कालीन कारोबारी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आया है। भदोही में तार तार पीएम व सीएम का आदेश। महामारी के दुश्मन बने कालीन कारोबारी। लॉकडाउन में गुलजार था कालीन कारखाना। एसडीएम भदोही ने मारा छापा। बगैर चेहरा ढके कालीन बुन रहे थे दर्जनों मजदूर। दरअसल पूरा मामला भदोही शहर के कोतवाली क्षेत्र के जल्लापुर नई बस्ती पूरे श्याम मोहल्ले का है, जहां एसडीएम भदोही आशीष कुमार मिश्रा राशन वितरण व्यवस्था परखने के लिए एक कोटे की दुकान पर पहुंचे थे। तभी सूचना मिली कि समीप के कालीन कारखाने में इस लॉकडाउन में कालीन बुनाई का काम चल रहा है। सूचना पर हरकत में आए एसडीएम भदोही ने कालीन कारखाने पर जब छापेमारी की तो दर्जनों कालीन बुनकर कालीन की बुनाई करते मिले। कालीन बुनकर चेहरे पर मास्क भी नहीं लगाए थे, जबकि सरकार ने यह साफ आदेश दे रखा है कि चेहरा किसी भी चीज से ढकना अनिवार्य है। इसके बावजूद भी कालीन कारखाने में बुनकर बगैर चेहरा ढके कालीन बुनाई का काम कर रहे थे। एसडीएम ने बुनकरों का पहले मास्क व गमछे से चेहरा ढकवाया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में कालीन कारखाने में काम करवाने वाले कारखाना संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने में कालीन कारखाना संचालक के साथ ही साथ बड़े कालीन निर्यातक भी शामिल हैं। अभी हाल में सिविल लाइन स्थित बुखारा पैलेस के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। इसके बावजूद भी कालीन निर्यातक लॉकडाउन का पालन कराने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। जानकारी प्राप्त हुई कि यहां पे जावेद अख्तर नामक एक कालीन व्यवसायी द्वारा कुछ काम कराया जा रहा है और उसको ईस्टर्न रग मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से कुछ ऑर्डर्स मिले हुए हैं, जबकि लॉकडाउन में स्पष्ट रूप से निर्देश है कि किसी प्रकार का कोई प्रतिष्ठान नहीं चलेगा और यहाँ पे इनका प्रतिष्ठान चलते हुए पाया गया और करीब 10-12 लेबर इसमें काम करते हुए पाए गए थे। तो इनके मालिक जावेद अख्तर को पुलिस के अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया गया है और शेष जो लेबर हैं उनको यहाँ पे, क्योंकि लॉकडाउन में कहीं बाहर जाने के निर्देश नहीं है, इसलिए यहीं पे इनको रोका गया है और उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था कराई जा रही है और शेष उस जावेद अख्तर के खिलाफ सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज करा के आवश्यक कार्रवाई की। आखिर ऐसे कालीन कारोबारी लॉकडाउन के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? लॉकडाउन का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या देश हित में काम नहीं करना चाहते? आखिर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं ऐसे कालीन कारोबारी? यह एक बड़ा सवाल है। लगातार ऐसे कालीन कारोबारियों की लापरवाही सामने आ रही है। सत्यम न्यूज़ टीवी आपसे अपील करता है, लॉकडाउन का पालन करें।